मीन राशि आज का राशि फल यानी कि 30 नवंबर का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक मीन स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। तो वीडियो को आप देखते रहें, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप कहीं भी ना करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए आज का उपाय भी बताया है, जिस उपाय को फॉलो करके आप अपने आज के दिन को बेहतर बना सकते हो। तो जानते हैं पहले आपके आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग क्या कहता है? आज तिथि है चतुर्थी, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और पक्ष है शुक्ल पक्ष। आज दिन है शनिवार और सूर्य उदय हो रहा है आज 6:55 में और सूर्यास्त हो रहा है 5:23 में। चंद्रोदय हो रहा है 10:15 में और चंद्रास्त हो रहा है 8:51 में। उसके बाद आज का दिन है 10 घंटा 28 मिनट 44 सेकेंड का और अभी महीना चल रहा है मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीना। और आज आपके लिए शुभ समय है 11:48 से 12:30 के बीच में और अशुभ काल है सुबह के 6:55 से 7:37 तक और दोबारा है शाम के 7:37 से 8:19 तक। इसके बाद राहु काल शुरू होता है 9:32 से 10:50 तक और दिशाशूल है आज पूरब की ओर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे जन्म कुंडली के बारे में, हस्तरेखा के बारे में या आपकी लाइफ में कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी और अगर कॉल करते हो तो बात नहीं हो पाएगी। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करें और अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो उसके बदले में आपको कुछ शुल्क देने पड़ेंगे, कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। तो आप व्हाट्सएप कर लो और जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। इस लिहाज से आपका आज का दिन सामान्य रहेगा, ना ज़्यादा बेहतर ना ज़्यादा खराब। अगर आपका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपने वजन पर आज आप काबू रखें, क्योंकि ज़्यादा बढ़ता वजन आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए अपने खान पान का आप ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने वजन पर आप कंट्रोल करें, इससे आपका स्वास्थ्य आगे जाकर भी अच्छा रहेगा और कहीं कोई बाधा फिर नहीं आएगी। इसके बाद है आपका आज का धन संपत्ति। इस लिहाज से भी दिन सामान्य रहेगा, ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। आज आप किसी इंसान को कर्ज ना दें, आपके पास जो पैसा हो उस पैसे का आप उपयोग करें और पैसे को बचा कर रखें और साथ ही साथ फालतू खर्च भी ना करें, क्योंकि अगर आप फालतू खर्च करते हो तो ये आपको आर्थिक तंगी की ओर ढकेल देगा। तो इस लिहाज से भी आप इस बात का ध्यान रखें और आज के दिन अपने कामकाज में आप धन का निवेश न करें, ये बेहतर रहेगा। तो अब जानते हैं आपके आज के पारिवारिक संबंध के बारे में। इस लिहाज से दिन बहुत बेहतर रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, यानी कि सबसे बेहतर रहने वाला है। आपके घर परिवार में आज तनाव का माहौल बहुत कम आएगा, या ये कहें कि ना के बराबर आएगा तो वो भी गलत नहीं होगा। आज घर की जो जिम्मेदारियाँ हो, घर में जो कामकाज हो उसे आप निभाएं और घर वालों का आप साथ दें, और अगर मौका मिले तो घर वालों के साथ आज आप शाम के वक्त कहीं घूमने जाएं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा और इससे आप सबों का मन लगा रहेगा। इसके बाद है आपका आज का प्रेम संबंध। आज आपके जीवन में प्रेम की बहार आ सकती है। आपको जरूरत है कि बस अपने आंख कान खुले रखें और जो प्रेम मिले उसे आप एंजॉय करें। आज आप रोमांस में डूबे रहेंगे। अगर आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। आज आपके और आपके प्रेमी के बीच रिश्ता बहुत मधुर रहने वाला है। इसके बाद है आपका आज का व्यापार। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटे को ऑल पर ऑन भी कर लें और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हर जगह फैला दें, हर जगह शेयर कर दें, ताकि सब कोई इस वीडियो का आनंद ले सके, वीडियो का मजा ले सके। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपका आज का दिन ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ा बहुत नोक झोंक होते रहेगा, तो ये नोक झोंक करने का प्रयास आप न करें, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो इससे आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा और रिश्ता आपका खराब हो सकता है। इसलिए इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। और अब है आपका आज का उपाय। आज आप पूजा में
रोली चंदन का और कुमकुम का उपयोग करें, ये आपके आज के दिन के लिए बहुत बेहतर रहेगा और उसके बाद फिर कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। तो मित्रों यही था मीन राशि वालों का आज का राशिफल। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय सियाराम।